ओके स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर कर लिया था, ठीक है। सो अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन करूं तो कैन यू टेल मी कि लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, विथ यूनिट बताना, यूनिट के साथ मैं एक लिख रहा हूं, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? 2πr/T। यहां पर r क्या होता है? रेडियस। और इनका यूनिट क्या होता है लीनियर वेलोसिटी का? मीटर पर सेकेंड। हाँ, उसके बाद अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ओमेगा से किस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन टी। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड, है ना, रेडियन पर। अच्छा, अगर मैं रिलेशन पूछूं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में तो क्या होगा? हाँ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, यही पढ़ा था ना हमने लास्ट लेक्चर में, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि घड़ी के, जो घड़ी होता है क्लॉक के, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड का रेशियो निकाल के बताओ, तो निकल जाएगा क्या रेशियो अनुपात? फाइंड द रेशियो ऑफ मिनट, रेशियो ऑफ किसका, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड टू दी सेकेंड है, सेकेंड है, निकल जाएगा क्या? हाँ, तो थोड़ा ट्राई करो और उसके बाद नहीं होता है तो हम सॉल्व करेंगे इसको। चलो 10 मिनट, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या निकाला हुआ है हमने? मिनट हैंड का बताओ पहले, मिनट हैंड का क्या है? पाई अपॉन 1800। और उसके बाद सेकेंड हैंड का क्या है? सेकेंड का है मेगा पाई बाई 30। तो कहा है रेशियो निकालना है मिनट हैंड टू सेकेंड हैंड, तो बताओ ऊपर न्यूमरेटर में क्या रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, यानी मिनट अपॉन सेकेंड, यही रहेगा। तो बस कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ ऊपर है मिनट का पाई अपॉन 1800 और यहाँ पर पाई अपॉन 30, तो ये पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मिनट अपॉन सेकेंड हो जाएगा 30/180, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3×6=18, क्या है 1800, ओके सॉरी 1800, तो यहाँ 60 आ जाएगा, ठीक है। मिनट अपॉन सेकेंड की रेशियो क्या आ जाएगा, 1/60, यानी अगर हम ऐसे लिखे मिनट रेस टू सेकेंड, ये हो जाएगा 1/60, यानी कि एक मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो सही हो गया ना, बराबर। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि भाई मिनट और आवर में
रेशियो निकालो या मिनट सेकंड का रेशियो निकालो, तो इस तरीके से हम लोग आराम से निकालें। ठीक है, अब चलते हैं एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कौन महाशय है? नीरज चोपड़ा। इनको लोगों ने कब जानना शुरू किया? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट करें इनको जानने जब उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, ठीक है, अपने जेवलिन में। इनका क्या कहते हैं, भाला है, भाला, भाला को कहते हैं जेवलिन, है ना, जेवलिन। तो जेवलिन में इन्होंने जब अपना रिकॉर्ड बनाया, मतलब कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा था उसको तोड़ा और गोल्ड मेडल हासिल किया, तब पूरे भारत में इनकी चर्चा छा गई। तो भाई ये जो भाला फेंक है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब देखो जैसे जब ये खड़े होते हैं, तो अगर मैं कहूँ, पहले मैं यहाँ समझा दूँ कंसेप्ट। मान लो ये एक्सिस है और यहाँ से ये नीरज चोपड़ा जी हैं और ये भाला अपना फेंक रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भाला फेंकेंगे। तो अगर ये भाला, ठीक है, ये भाला जब यहाँ से फेंकेंगे ये कुछ एंगल बनाएगा, एक एंगल धरती और ऊपर वाई एक्सिस, इनके अकॉर्डिंग एक जो एंगल बनेगा वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भाला कितनी दूर जाकर के गिरेगा। ठीक है, ये भाला कितनी दूर जाकर के गिरेगा उसे हम कहते हैं रेंज। जैसे यहाँ है ये अपने चोपड़ा साहब और मान लो इनका भाला गिरा यहाँ पर भी, ये इसका इनका क्या हो गया, इनके भाले का रेंज हो गया कि इन्होंने कहाँ तक भाला फेंका। उसके बाद ये जो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना था, और ये भाला जब तक आसमान में रहेगा तब तक कहा जाएगा कि ये कितने हाइट पर गया हुआ है, हाइट, ठीक है, कितने हाइट पर गया हुआ है और हाइट पर जाते हुए आसमान में कितने टाइम तक था, तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, मतलब कितने टाइम तक वो उड़ा रहा आसमान में, वो कितने टाइम तक उड़ा रहा उसे क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट, तो नॉर्मली हम क्या कह देते हैं, भाले का टाइम पीरियड, भाले का टाइम पीरियड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें तीन चीजें निकालनी होती है, क्या क्या, एक तो एंगल या रेंज, हम ये कहें रेंज, ठीक है, रेंज, रेंज, दूसरा हाइट, हाइट, और तीसरा टाइम, तीसरा टाइम, ठीक है, टाइम। अब देखो इसके तीन फॉर्मूले पहले याद कर लो, ठीक है, जैसे पहला फॉर्मूला है इसका रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या है, बता दू, रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। जी क्यों आया, क्योंकि ये जो भी काम होगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में होगा कि नहीं होगा, भाला फेंकेंगे तो धरती के ऊपर, ऐसा तो है नहीं धरती को नीचे से टच करते हुए जा रहा है ना, हाँ, तो क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम हो रहा है, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगी तो ग्रेविटी काम करेगी, इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा है, जी, जी, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, बोलो चार बार, यू क्या है, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, साइन टू थीटा क्या है, एंगल, एंगल, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई, बताओ आर का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, रेंज का फॉर्मूला, चार बार बोलो आंख बंद करके, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी,
यू क्या है यहां पर, थीटा, आवाज नहीं आ रही मुझे, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा अगर मैं एक बात पूछूं कि बताओ जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जैसे जीरो हो, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। हमने जैसे कॉस के टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था एक बार, कॉस माइनस वन से प्लस वन तक जाता है, वैसे ही साइन को भी अगर हम देखेंगे तो माइनस वन से प्लस वन के बीच में ट्रेवल करेगा, है ना। साइन माइनस वन से प्लस वन के बीच में, बताओ साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91, ठीक है। अब यहां से जो 91, 180, 0, 10, और यहां जो 270 होता है वो माइनस वन होता है, ठीक है, 270 की वैल्यू माइनस वन होती है। तो यानी अगर हम साइन की भी वैल्यू देखें तो माइनस वन से वन के बीच में ही ट्रेवल कर रही है ना। यहां ये देखो माइनस वन मिनिमम और मैक्सिमम वन, तो साइन वन कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, है ना, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, और अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो देखो यहां पर दिया है साइन टू थीटा, तो इस साइन की वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो मुझे इस थीटा पर कितना रखना पड़ेगा, मतलब मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे ये पता नहीं ना, यहां पर मैं कह रहा हूं ये साइन टू थीटा है, साइन टू थीटा, और मुझे पता है कि साइन 90 डिग्री वन होता है मुझे मैक्सिमम देगा, यहां पर मेरा टू है तो मैं यहां कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 90 हो जाए, 45, यानी मैं अगर थीटा की वैल्यू 45 रखूंगा तब मुझे जो रेंज मिलेगा वो मैक्सिमम रेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मैक्सिमम मिलेगा, देखो आर अगर मैं मैक्स लिखता हूं तो इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं साइन टू और थीटा की जगह 45 डिग्री अपॉन जी, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, ये 45 से मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो मेरे पास बचेगा क्या, यू स्क्वायर अपॉन जी, यही तो मेरा मैक्सिमम, इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है क्या, नहीं। उसके बाद मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा इसमें मल्टीप्लाई हो करके ये उसको और कम ही करेगा, है कि नहीं। हाँ, तो जब भी एंगल 45 का होगा, चाहे नीरज चोपड़ा फेंक रहे हो, तो उन्हें ये क्या करना होगा कि अगर मैक्सिमम रेंज फेंकना है तो उनके भाले का जो एंगल बने किससे, अर्थ से, वो कितने का हो, 45 का। तो ये अगर हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, ये अभी भले ये 45 से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा हो लेकिन जब ये फेंकेंगे तो ये 45 के एंगल पर चला जाएगा, और जब 45 के एंगल पर जाएगा तब ये मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा, है कि नहीं। अगर इसको इन्होंने 45 से, मैं मानता हूं कि चलो इन्होंने 45 न करके अगर इनका मन कर दिया कि नहीं मैं 45 क्यों, मैं जो है 90 करूंगा, अगर ये इस एंगल से फेंके 90 डिग्री से, तो बताओ अगर मैं यहां पर 90 लिख दूंगा, हाँ जी यहाँ पे 90 कर दूंगा तो 90 थीटा 90 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 180 हो जाएगा, 180 साइन 180 की वैल्यू कितनी है, 0, यानी हमें रेंज कहीं मिलेगा नहीं, जहां फेंकोगे वहीं तुम्हारे सर के ऊपर ही गिर जाएगा भाला, समझ में आ रहा है क्या, क्या भाला कहीं जा पाएगा, तुमने फेंका यहीं से तुम्हारे सर पे गिर जाएगा, मर जाओगे भाले के साथ वैसे ही, ठीक है। इसीलिए इन्हें कोशिश करनी होगी कि इनका जो एंगल हो, अभी मस रोबोट थोड़ी है कि हाँ 45 ही है पूरा, तो इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है, जब मैं भाला फेंकू तो वो मेरा 45 डिग्री का ही एंगल अटेन करे, ताकि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिल सके,
पूरी रेंज मिल सके, समझा? तो सोचते होंगे ना लोग ना कि भाला फेंकने में कौन सा प्रैक्टिस है, क्या वो ताकत की प्रैक्टिस है? नहीं, वो प्रिसीजन, वो एंगल, वो एनर्जी कितना लगाना है, कहीं ज्यादा ना लग जाए, वो 45 से ऊपर चला जाए। तो जितना 45 डिग्री से ऊपर जाते जाएगा इनका रेंज, मतलब कि इनका एंगल, उतना ही इनका रेंज कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और जितना 45 से नीचे जाते जाएगा तो भी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एंगल का रेंज का फॉर्मूला समझ में आया? ओके, रेंज का क्या फॉर्मूला है? इस सिचुएशन में मुझे मैक्सिमम रेंज अटेंड करने के लिए थीटा कितना रखना पड़ेगा? 45, थीटा 45, क्योंकि देखो जी तो कांस्टेंट है, जी को हम कुछ नहीं कर सकते। हम थीटा 45 रख सकते हैं और अपने वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? वेलोसिटी जितनी स्पीड से फेंकूंगा, वेलोसिटी जितना अटेंड करेगा और एंगल अगर प्रॉपर रहे तो मुझे उतना अधिक रेंज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, जी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं जी घटा सकता हूँ ना बढ़ा सकता हूँ। जी अगर 10 का लग रहा है तो 10 का ही लगेगा, है ना? मेरे हाथ में सिर्फ वेलोसिटी और एंगल को मेंटेन करना है, तो ये मैं दो चीज कर सकता हूँ। अब यही सेम चीजें होती है युद्ध के टाइम में, जब हम लोग पुराने समय में लोग जब राजा महाराजा लड़ते थे तो उनको उनका जो तोप होता था ना, तोप कैनन, इसको चलाने वाला होता था तोपची, तोपची इसको चलाने वाला कौन होता था? तोपची। तो जिसके पास जितना बढ़िया तोपची होता था, ठीक है, गनर उसको कहते थे, गनर, गनर, जितना अच्छा तोपची होता था वो युद्ध आसानी से जीत जाता था। जैसे जो अपने ये थे क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका जी, शेरशाह सूरी ने, नहीं, ये मैं एक मिनट, अरे वो शेरशाह सूरी तो मर गए थे, लेकिन अगर मैं गनर का वो करूं, या मैसूर, मैसूर के वो राजा कौन थे, हैदर अली, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, उनके पास जो गनर थे वो बहुत बेहतरीन थे। उसके बाद जो आया था ये तुम्हारा यहाँ से बाबर आया था, बाबर के पास जो गनर थे वो बहुत बेहतरीन थे, ठीक है। इन लोग के पास ये तोपची बहुत अच्छे थे, इन लोग का एंगल प्रिसीजन बहुत खतरनाक होता था, इसलिए जो ये अंग्रेज होते थे ना, अंग्रेज, वो भी पठानों को अपना तोपची बनाते थे। और कई बार जो ब्रिटिश होते थे, वो ब्रिटिशर्स में कुछ कुछ तोपची गनर बहुत अच्छे होते थे, तो जो राजे महाराजे होते थे वो ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ तोपची बनाते थे, और वही ब्रिटिशर्स धीरे 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 उन राजाओं को हड़प लेते थे, ठीक है। तो ये सब में किसका इस्तेमाल होता है? फिजिक्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है क्या? तो जो आज के समय में अगर कभी युद्ध छिड़ गया तो लोगों के पास अब तो ये तोप नहीं होता है, अब वो फोर्स गन होती है, धनुष जैसे जो कि बंदूक होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करने के लिए हम 4 figure 3 figure निकालते हैं, है ना? जब मैंने ग्रीड पढ़ाया होगा उसमें अपने ज्योग्राफी में, तब मैंने बताया होगा कि किस तरीके से रेंज निकाला जाता है। तो उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि मान लो कि अगर मान लो कि ये बैटल फील्ड है और यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे दुश्मन है, ठीक है, यहाँ पे, और तुम्हारा गन यहाँ पर है, कैनन यहाँ पर है, और तुमको पता ही नहीं कि मैं कितने डिग्री पर रखूं कि इतने दूरी को तय कर जाए, तुमने रख दिया है एकदम 30 degree पर, ये जाके इनके ही कदमों में गिर जा रहा है, आओ मारो मारो मुझे, यहाँ पहुंच ही नहीं रहा है, या तुमने कर दिया 45 से ऊपर 60 degree, मारा इनको क्रॉस कर जा रहा है, ये आ गए अंदर, ये तुम्हारा रेंज के बाहर निकल जा रहा है कि नहीं? तो डिस्टेंस को देख करके अपने तोप के एंगल को एडजस्ट करना एक गनर की सबसे बड़ी पहचान होती थी उस वक्त में। समझ में आया वो लोग कैसे काम करते थे फिजिक्स के बदौलत? हाँ, वो उनको नहीं पता होता कि हाँ वो फिजिक्स पढ़े हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये रेंज का फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब दूसरा चीज हम देखेंगे कि अच्छे कितने टाइम तक हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है।
क्या निकालेंगे, टाइम, टाइम, ठीक है टाइम। देखो टी का फॉर्मूला निकालने के लिए, टी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम अगर देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं, पहले इसका फॉर्मूला याद करो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि टी के लिए हम देखेंगे तो ये जो टू है ना इसमें का यू स्क्वायर का, उसे बस आगे ले लो, ठीक है। और ये हो जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी, समझ आया क्या? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। और इसमें रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाँ यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और टाइम का, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तीसरा आता है हाइट, हाइट ठीक है, कितनी ऊपर तक जाएगा। तो हाइट के लिए होता है एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू जी, टू जी, टू जी, ठीक है। मैं यहीं पर रेंज का भी लिख देता हूं, रेंज का क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी, जी है कि टू जी, सॉरी जी है, जी 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 है जी, ठीक है जी। तो पहले दूसरे में जी जी और तीसरे में टू जी, ठीक है टू जी। तो पहले दूसरे में जी जी और दूसरे में टू जी, ठीक है। पहले का याद कर लो, पहले में यू स्क्वायर साइन टू थीटा जी, फिर इसका टू को इधर ला दो और ये हटा दो, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। और फिर तीसरे में इन सब के ऊपर स्क्वायर कर दो और इसको यहाँ पे ला दो, ठीक है। फॉर्मूला याद हुआ, ओके। बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और हाइट का, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू जी। और टाइम पीरियड का, टू यू साइन थीटा अपॉन, ठीक है। अब इसके बेस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहता है कि एक जेवलिन को फेंका जाता है, ठीक है। जैसे मान लो नीरज चोपड़ा है, वो क्या फेंक रहे हैं, जेवलिन को, जेवलिन को फेंका जाता है, फेंका जाता है, फेंका जाता है। तो जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, विथ एंगल, विथ एंगल 30 डिग्री, विथ एंगल 30 डिग्री। और उसकी जो स्पीड होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड होती है, हैविंग स्पीड, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तब बताओ उसमें तुम्हें तीन चीजें निकालनी है, रेंज निकालो, टाइम निकालो और हाइट निकालो। चलो पहले निकालो, फिर जो है हम सॉल्व करेंगे, ओके। चलो सॉल्व करते हैं, टाइम तक हमने टाइम दे दिया। अब देखो कहा है रेंज फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हम पहले एक जगह डेटा लिख लेते हैं, डेटा में हमको क्या दिया है, एंगल दिया है, यानी थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम रेंज निकालेंगे, तो रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। चलो लिख करते हैं, यू की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर साइन टू थीटा है 30, 60 हो गया, और जी की वैल्यू हम 10 रखते हैं क्योंकि जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम लोग 10 रखते हैं। तो ये 10 से ये 10 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा 10 गुणते, ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने यहाँ पर बताया है रूट 3/2, तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा 5, तो हमारा जो रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा 5 रूट 3,
ठीक है, ये मी टर्म, ठीक है मी टर्म, इतना क्लियर। यूनिट मत भूलना, यूनिट हमेशा लगाते रहना। ओके, अब हम चलते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड को निकालने के लिए दूसरा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलो, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो सेम 2u की वैल्यू है 10, साइन 30 और जी 10, कैंसल आउट हो गया। यहाँ बचेगा 2 और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहां से कैंसल आउट हो गया। टाइम पीरियड आ गया 1 सेकंड। तीसरा कहा है हाइट, हाइट, हाइट यानी h इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां कर दो, जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। यू स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर, फिर साइन साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10। अब ये 10 से ये 10 कैंसल, एक स्क्वायर वाला कैंसल आउट हो जाएगा और ये 2 × 5 = 10, यानी यहाँ हो जाएगा 5 5 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 5/4। तो इसको हम काटेंगे 1.25। ये क्या है? हाइट। हाइट भी किसमें आता है? मीटर में, मीटर। ये तीनों वैल्यू आ गई, यानी हमारा रेंज कितना आ गया? तो रेंज आ गया 5√3 मीटर, टाइम आ गया 1 सेकेंड और हाइट आ गया 1.25। ठीक है, तो इस तरीके से इससे जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि एक जवेलिन है, जवेलिन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 times है इसके हाइट के। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इफ जवेलिन टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 times ऑफ इट्स हाइट, having speed 20 meters per second, then find angle। निकल जाएगा, कोशिश करोगी? चलो मैं पॉज कर रहा हूं, कोशिश करके बताओ। चलो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या कहा है उसको हम जैसे कहा वैसे लिख लेते हैं। कहता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट 4 गुना है उसके हाइट का, तो लिख लेते हैं जो टी है, टी 4 गुना है उसके हाइट का, यही बात कहा है। और इसमें इसका स्पीड दिया है 20 meters per second, बस इतना डेटा दिया है। एंगल निकालना है तो हम इसका फॉर्मूला रखेंगे। टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 4 times। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखो यहां से g ये g कैंसल आउट हो जाएगा और ये 2 × 4 यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, है ना? और ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बरोबर। अब बच गया यहाँ पर u साइन थीटा अपॉन u स्क्वायर साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये साइन थीटा से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 = u sin थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसको साइन इधर सॉल्व कर रहे हैं तो देखो यहाँ 1/u हो जाएगा साइन थीटा, u की वैल्यू है 20, तो 1/20 = sin थीटा। अब देखो
जब कभी ऐसा सिचुएशन आए तो थीटा इज इक्वल टू साइन को इधर लाओ, इधर लिख दो साइन इनवर्स 1/20, बस यही थीटा की वैल्यू है। समझ में आया क्या? साइन इनवर्स 1/20, साइन इनवर्स 1/20, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक हुआ था देख लिया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है कि एक कैनन बॉल है, कैनन बॉल मतलब तोप का गोला है ना, कैनन बॉल का ऑफ फ्लाइट, ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू टाइम्स ऑफ इट्स हाइट हैविंग स्पीड 4 meter per second, हैविंग स्पीड 4 meter per second, देन फाइंड एंगल थीटा। ट्राई करो, ठीक है चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो सेम सिचुएशन, पहले जैसा कहा है वैसा लिख लेते हैं, है ना। क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 times ऑफ इट्स हाइट, लिख लिया, और स्पीड दिया है 4 meter per second, ठीक है। अब टी का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 2 times ऑफ हाइट का फॉर्मूला क्या है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे यहां से ये 2 कैंसल आउट हो गया, यहां से ये g कैंसल आउट हो गया, है ना। ओके अब इसको मैं ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट और ये साइन से ये आउट, तो यहां बच जाएगा 2 इज इक्वल टू u साइन थीटा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 अपॉन u इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 2 अपॉन u की वैल्यू क्या है, 4 रख देंगे इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 2 × 4 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बताओ साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैं यहां लिख सकता हूं साइन 30 इक्वल टू साइन थीटा, यानी थीटा की जगह पर 30, तो थीटा कितना हो गया 30 degrees, थीटा इज इक्वल टू 30 degrees। समझ में आ गया, ओके कोई दिक्कत। प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 फॉर्मूले याद रहेंगे, बताओ आर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 45 degrees, ठीक है इतना चीज याद रखना, बस इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, यहाँ पर हमारा मोशन चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।